जब मकर संक्रांति पोंगल बिहू और लोहड़ी की बात होती है तो हर तरफ गुड़ और तिल की खुशबू आने लगती है, राइट? तो क्योंकि जनवरी में तिल और गुड़ का महत्व भी बहुत ज़्यादा होता है, विंटर्स है और तिल और गुड़ के बिना ये फेस्टिवल्स पूरे नहीं होते, तो हम भी तिल और गुड़ के जैसा ही कुछ बनाने वाले हैं। तो नम्रता जी, अब हम क्या बनाने वाले हैं अपने दर्शकों को? अब हम बनाने जा रहे हैं तिल मावा लड्डू। तिल मावा लड्डू, और क्या हम इसे गुड़ में बनाएंगे? हाँ जी, गुड़ में बनाएंगे। तो तिल भी है, गुड़ भी है, मावा भी है, और क्या चाहिए मकर संक्रांति, लोहरी, पोंगल और बिहू बनाने के लिए? इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? इसे हमें सफेद तिल चाहिए होगा, थोड़ा सा 1-2 चम्मच घी, गुड़, हाँ, मावा, हाँ, और कटे हुए काजू और बादाम। तो सबसे पहले हम शुरुआत कैसे करते हैं तिल मावा लड्डू की? सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे जी और तिल को इसमें भूनेंगे जी। तो हम वाइट वाली तिल ली है हमने, हाँ, और अब हमें इनको बगैर घी के, बगैर किसी ऑयल के भूनना है। सिर्फ सूखी कढ़ाई में हमने सूखी कढ़ाई में इसको तिल डाल दिया और हाँ, ऐसे भूनना है। इसको हमें ज्यादा नहीं भूनना है, अगर ये ज्यादा भून जाएंगे तो ये इसका टेस्ट कड़वा आएगा। अच्छा, तो हम पता कैसे चले कि ये फूल जाते हैं? Okay. इसको आप, इसको मैं भी थोड़ी देर में इसको दबा कर देखूंगी, तो ये अच्छा क्रंच हो जाएंगे। तो हर जगह से, तो मकर संक्रांति का मौका रहता है अगर, तो हर घर से ही गुड़ और तिल की खुशबू आती है। ये बहुत फायदा भी करते हैं क्योंकि ये इसकी तासीर गर्म होती है, तो आप सर्दियों में तिल की बात करें तो तिल बहुत गर्म होता है, और इसीलिए यही वजह भी है कि मकर संक्रांति पे या पोंगल बिहू हो या फिर लोहरी हो, इस समय हम तिल का बहुत उपयोग करते हैं क्योंकि विंटर्स होता है, कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि आपके शरीर को गर्म रखे, और इसीलिए तिल भी वही है और गुड़ भी वही है जिसका तासीर बहुत गर्म होता है। इसको आपको बहुत लाइट ब्राउन करना है, हाँ, और ये फूल जाएंगे बस उतना। अच्छा। ही हमें इसको भूनना है। देखिए अब ये हो चुका है और मैंने गैस ऑफ कर दी है, अब इसको देखिए और इसको ऐसे करके हाँ, देखिए तो ये देखिए टूट रहा है और ये बिल्कुल पाउडर हो जा रहा है उसे तोड़ने पे, इसका मतलब ये भून गया है। और अब हम इसे गैस बंद करके उतार लेंगे, गैस बंद करके हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब हम, जब तक ये तिल ठंडा हो रहा है, हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे जी, और तिल को ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, तिल को हमें पाउडर भी बनाना है, और जब तक तिल हमारा, लेकिन हम मिक्सर में तभी डालेंगे जब वो ठंडा हो जाए। हाँ जी, ठंडा हो जाएगा। जब तक वो ठंडा होता है हम गुड़ को पिघला लेते, पिघला लेंगे। हमने गैस ऑन कर दिया है और इसमें थोड़ा सा हम घी डालेंगे, हमने शुद्ध घी डाल रहा है। ऐसे हमने इसमें घी डाल दिया, इसको मेल्ट कर लेंगे, और बिल्कुल कम घी डाला है हमने, हाँ, तो बहुत कम घी की, हाँ, इनफ है। और अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। अच्छा, बहुत जगह पे पाउडर जो भूरा होता है ना गुड़ का, वो भी मिलता है, तो क्या हम भूरा भी डाल सकते हैं? अगर गुड़ का भूरा, हाँ, नहीं नहीं गुड़ का भूरा हमें करना तो इसको मेल्ट ही है जी, अगर हमें गुड़ का भूरा मिल जाता है तो हम वो भी डाल सकते हैं। कितना टाइम लगता है वैसे गुड़ मेल्ट होने में? मेल्ट होने में मुश्किल से 2-3 मिनट बस मैक्सिमम जी। हाँ, अब जब तक ये मेल्ट हो रहा है मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, ये ठंडा हो चुका है जी। ठीक है, तो गुड़ हमारा बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है और तिल भी हमने पीस लिया है बिल्कुल। इसको हमें थोड़ा दरदरा पीसना है, बारीक नहीं पीसना है, ये देखिए थोड़ा सा। अच्छा, इसे हमें, हाँ, बारीक नहीं पीसना है, इसे दरदरा पीसना है हमें। और तो तिल भी पिस गया है भुनने के बाद और गुड़ भी हमारा मेल्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे? गुड़ मेल्ट हो गया है, अब हम इसको थोड़ा साइड कर देंगे, तब तक हम मावा भून लेंगे जी। गैस ऑन करेंगे हम, हाँ। अच्छा, गुड़ भी जब हम पिघलाते हैं तो बिल्कुल ध्यान देना होगा कि ज्यादा ना जल ना जाए, जल ना जाए, क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी जलता है, हाँ, और फिर वो टेस्ट भी आ जाता है, फिर वो कड़वा हो जाएगा अगर आपका गुड़ जल जाता है तो। जी, हाँ, तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी में हमें गुड़ को रखना है। अगर बाई चांस अगर ये सर्दियां चल रही हैं, ये जम भी जाता है तो फिर से पिघला सकते हैं इसको। तो गुड़ हम अब इसमें मावा, अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, डाल दो, हाँ, बहुत थोड़ा सा बस, हम इसमें, हाँ, घी डालेंगे और मावा डाल देंगे। तो हमने घी डाला, घी में मावा डाल दिया है, इसको हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन भून लेंगे। तो इसे पाउडर करने की जरूरत है या ऐसे ही? नहीं, ये मेल्ट हो जाता है। ओके, ये अपने आप ही जब भूनने लगेगा तो आप देखेंगे गुड़ की तरह ये भी मेल्ट हो जाएगा।
ओके अब देखिए बाबा भी भुन गया इसको मैं बहुत ज्यादा नहीं भूनना है नहीं तो ये घी छोड़ देगा जी। अब ये भुन चुका तो है तो ये सारे टिप्स है हमारे पास। हमें गुड़ को भी बिल्कुल अच्छे से पिघलाना है और ज्यादा मेल्ट नहीं करना, ज्यादा नहीं पकाना ताकि वो जल न जाए, और मावा को भी हमें ज्यादा नहीं पिघलाना है नहीं तो वो पानी छोड़ देगा। अब हम इसको निकाल लेंगे। हमने मावा भून लिया है बिल्कुल हल्के घी में। अब हम गुड़ को देखेंगे जी, अगर ये जम गया होगा वापस तो हम इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे वापस से। ऑन कर दूं मैं? हाँ जी ऑन। तो हमारा गुड़ थोड़ा सा जम गया है तो हम इसे और थोड़ी देर पका लेंगे ताकि वो फिर से मेल्ट हो जाए। अच्छा अच्छा, गुड़ और तिल का मेजरमेंट कैसे होता है, कितने तिल में कितना गुड़ लेना होगा? 200 ग्राम्स अगर हमने तिल लिया है तो उसमें हम 100 ग्राम्स गुड़ का यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर हमने 200 ग्राम्स तिल लिया है तो जस्ट हाफ क्वांटिटी में हमें गुड़ लेना है। अब ये गुड़ मेल्ट हो चुका है, हमने गैस ऑफ कर दी है जी। अब हम इसमें तिल डालेंगे। तो हमने गुड़ में तिल ऐड कर दिया है, वाइट तिल जो मावा ऐड कर दिया है, और ये काजू बादाम ऐड करेंगे, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ध्यान से बनाने की जरूरत है क्योंकि कहीं अब ना मेल्ट, अब ना वो जम जाए, क्योंकि उसमें ही उसे लड्डू तैयार करना है। और ये सारी चीज अच्छे से मिक्स होनी बहुत जरूरी है जी। अब ये मिक्स हो चुका है, अब हम इसको थोड़ा गर्म गर्म में ही, जितना आप बर्दाश्त कर पाए हाथ से, तो आप इसके लड्डू बनाने शुरू कर देंगे जी। मैं घी दे दूं? हाँ, इसके लिए आप थोड़ा सा घी। गर्म है अभी? अभी थोड़ा गर्म है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिया है। हाँ, थोड़ा सा घी लेके आएगा जब हम खाएंगे तो। आप हाथ में लगा लेंगे इस तरीके से, फिर आप थोड़ा थोड़ा लेकर इस तरीके से गोल गोल लड्डू के शेप में हम देंगे। लड्डू के शेप में आप, मैं भी ट्राई करूँ? हाँ करिए। घी लगा ले हम थोड़ा सा हाथों में और फिर इतना गर्म हो ताकि आप बर्दाश्त कर सकें और इसके लड्डू तैयार कर सकें। ये साइज ठीक है लड्डू का? हाँ बिल्कुल ठीक है। और हमें इसके लड्डू बनानी है। तिल है, गुड़ है, और थोड़ा तो पेशेंस रखने की जरूरत होगी क्योंकि अभी हम लड्डू बना ही रहे हैं, इसके बाद हम इसे खाएंगे। तो तिल का लड्डू बनके तैयार है, तिल मावा का लड्डू मेरे हाथ में, और इतना अच्छा मौका है तो देरी नहीं करनी चाहिए। इसे टेस्ट करके बताती हूँ, और ये ठंडी भी हो गई है, कि कैसा बना है। तो बहुत ही यमी बना है, बहुत ही शानदार है। गुड़ की वो सौंधी सी खुशबू और वो सौंधा सा टेस्ट, और तिल भी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस है। अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर तो है नहीं, वो मिठास बिल्कुल परफेक्ट है। और मकर संक्रांति लोहरी का मौका है, और उसमें अगर तिल के लड्डू मिल जाए और वो भी इतने स्वादिष्ट, नम्रता जी तो क्या कहने, मज़ा आ गया खाकर। तो जब तक मैं लड्डू और खाती हूँ, नम्रता जी को टेस्ट करवाती हूँ, तब तक आप देखिए तिल मावा लड्डू का एक क्विक रिकैप। तिल मावा लड्डू बनाने की विधि। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई गर्म होने पर उसमें सफेद तिल डालें और हल्का भूरा होने तक भून लें। इसे ठंडा होने पर दरदरा पीस लें। अब कढ़ाई में एक छोटा चम्मच घी डालें, उसमें गुड़ डाल के पिघला लें। दूसरी तरफ कढ़ाई में घी लें, उसमें मावा डाल के हल्का भून लें। अब पिघले हुए गुड़ में पीसे हुए तिल, मावा और ड्राई फ्रूट्स डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। इस मिश्रण के लड्डू तैयार कर लें। ठंडा होने के बाद सर्व करें। तैयार है तिल मावा के लड्डू। तो नम्रता जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ दो खास रेसिपी शेयर करने के लिए। मिर्ची वड़ा और तिल मावा के लड्डू दोनों ही बहुत खास थे, मकर संक्रांति के लिए, पोंगल के लिए, बिहू हो या फिर लोहरी हो, सबके लिए खास डिशेज है, और खाकर मज़ा आ गया। मिर्ची वड़ा भी बहुत यमी था, और तिल के लड्डू का तो कहना ही क्या है, बहुत ही शानदार है। तो थैंक यू सो मच नम्रता जी हमारे साथ इतनी अच्छी डिशेज शेयर करने के लिए। आई होप कि दर्शकों ने भी खूब इंजॉय किया होगा। अगर आज नहीं तो आप दूसरे दिन भी इसे बना सकते हैं, विंटर्स को इंजॉय कर सकते हैं मिर्ची वड़ा के साथ और तिल के लड्डू के साथ, क्योंकि हेल्थ के भी बहुत बेनिफिट्स हैं और बहुत स्वाद भी है। तो जायका के आज के एपिसोड में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया 24/7। नमस्कार।